हाय गाइस, मैं हूं हरसिमरन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको कंप्यूटर के सिलेबस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज आल्सो नाउन एज रीड राइट मेमोरी, इनमें से किसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रोम, सेकंड रैम, थर्ड डीवीडी एंड फोर्थ हार्ड डिस्क। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है रैम। रैम को हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए, कंप्यूटर के द्वारा जो भी आउटपुट हम छू सकते हैं जिसको, ठीक है ना, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। थर्ड है, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड। देखिए, वो नेटवर्क जो कि बहुत ही कम क्षेत्र में होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिएक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पोज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनिएक स्टैंड्स फॉर, एनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही होगा। ये सबसे पहले किस्म का कंप्यूटर था जो कि 1945 में बनकर तैयार हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 KB 1024 bytes, 1 MB 2048 bytes, 1 MB 1000 kilobytes, 1 KB 1000 bytes। तो हम सब जानते हैं कि देखिए, बिट को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं वो 1024 bytes होते हैं, ठीक है। तो 2048 और 1000 ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 KB इज इक्वल टू 1024 bytes एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 kilobytes, 1 GB इज इक्वल टू 1024 megabytes एंड 1 TB इज इक्वल टू 1024 gigabytes। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2, डायनेमिक रैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, डैश इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। इंटरनेट के अलावा वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर टेलीफोन कॉल करना संभव बना पाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो मॉडम नहीं है, वो है वॉइप, ठीक है। वॉइप से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर टेलीफोन कॉल कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। नेक्स्ट है, PNG रेफर्स टू। देखिए, जो PNG है ये एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। आप गूगल पर सर्च करना ट्रांसपेरेंट इमेज से, आप जब डाउनलोड करोगे इमेज को तो देखोगे कि उसके पीछे PNG लिखा होगा। उसके ना डिटेल्स में जाना और फिर आप देखोगे कि पीछे लिखा होगा .png। जो आपकी नॉर्मल फोटोज होती हैं वो होती हैं JPG। ए प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट्स टू द कंपनी दैट इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो बैकग्राउंड अपने आप चलता रहता है और आप क्या सर्च कर रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ग्रेवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। द फॉलोइंग आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट फॉर। देखिए, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है हमने ये पता करना है। इनमें से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इस नाम का आपको कोई भी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, ये तीनों मिल जाएंगे। 1 GB इज इक्वल टू, हम पहले भी ये कर चुके हैं, आपने ध्यान दिया होगा
तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, देखिए जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें क्या यूज़ होता है, तो उनमें ऑप्शन नंबर 3 VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट फॉर, देखिए इनमें से कौन से वो डिवाइस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, तो देखिए कीबोर्ड भी है, माउस भी है और जॉयस्टिक भी, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, ए सीडी रो हैज़ ए स्पीड रेटिंग ऑफ 12 × 10 × 32, व्हाट डू द 3 नंबर रेफर टू इन ऑर्डर, देखिए 12, 10 और 32 इनका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है राइट, री राइट एंड रीड, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर एंड यूज टू रेफर टू, देखिए मेलवेयर हम किसे कहते हैं, स्पाईवेयर को, वॉर्म, वायरस और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डाटा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैकअप, देखिए आप बैकअप पर लेकर अपने हार्ड ड्राइव डाटा को सबसे बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जो डिवाइस दो अलग सिस्टम्स को दो अलग प्रोटोकॉल्स से आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करंट प्रेजेंटेशन विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स आ न्यू स्लाइड, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो आप किस शॉर्टकट की सहायता से एक नया स्लाइड ले सकते हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+M, अगर आप Ctrl+M दबाओगे तो आप एक नया स्लाइड आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर यूज होता था, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह है IC यानी के इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले ली थी, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में IC की जगह VLSI ने ले ली थी, यानी के वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, तो इसका आंसर है RAM, क्योंकि हम जानते हैं RAM एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI स्टैंड्स फॉर, AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि वो कंप्यूटर जो कि इंसान की तरह सोच समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, पहली जनरेशन के कंप्यूटर कब बने थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर बने थे उन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है, JPEG सीन विद द .jpg और .jpeg फाइल नेम एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ डिजिटल इमेजेस, व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर, देखिए आप जब फॉर्म भरते हैं कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते होंगे ना, जो आप फोटो अपलोड करते हैं वो JPG फॉर्मेट में होती है, ठीक है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .jpg होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPG का ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, SD कार्ड इज़ अ मेमोरी कार्ड यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग डिजिटल कैमराज एंड सेलफोन, व्हाट डस SD स्टैंड्स फॉर, देखिए SD कार्ड को हम सिक्योर डिजिटल कहते हैं,
तो ऑप्शन वन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ हाउ मैनी कीज। तो जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 कीज होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, ए प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू डू स्पेसिफिक टास्क। देखिए, वो प्रोग्राम जो सिर्फ कुछ विशेष कार्य करने के लिए बना हो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ऑप्शन वन सही होगा। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर यू आर कंट्रोलिंग और वर्किंग वाय नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए, आप अगर कहीं बैठे बैठे कहीं और पड़ा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रिमोट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर वन सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो होती है .docx, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर, शिफ्ट की। शिफ्ट की दबाने से हम सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट। तो कंप्यूटर का हार्ट होता है जो, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए सिलिकॉन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज ऑड वन। तो इन सभी में से जो सबसे अलग होगा हमें वो चूज करना है। तो जैसे दूर से दिख रहा है कि CRT है जो वो अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर टू CRT। बाकी जो इंकजेट, लेज़र और डॉट मैट्रिक्स हैं ये सभी प्रिंटर्स की किस्म है। नेक्स्ट है, इन बैंकिंग रेलवेज एक्सेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड। देखिए, बैंकिंग और रेलवेज में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हम मेन फ्रेम्स यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो, वो एक स्पेशल कार्यों को करने के लिए बनाया गया है, तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड अ। देखिए, आपने टेबल में देखा होगा जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल, ऑप्शन नंबर थर्ड है जो वो सही है। नेक्स्ट है, इफ़ CPU एक्सिक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इट विल बी नोन एज। देखिए, जब एक कंप्यूटर कई प्रोग्राम एक साथ चलाता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो एक वो एक साथ कई टास्क कर रहा होता है तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग्स। तो कौन से की को यूज़ करके हम एक डॉक्यूमेंट फाइल में जो स्पेलिंग है पर्टिकुलर उसे चेक कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू F5। नेक्स्ट है, विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अमंग फॉलोइंग। तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स। कंप्यूटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या नापता है, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री नंबर ऑफ पिक्सल्स। नेक्स्ट है, विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। CPU का जो मेन पार्ट होता है वो होता है CU एंड ALU यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच अमंग फॉलोइंग इज एन इमेज नेम एक्सटेंशन। तो इनमें से कौन सी इमेज की एक्सटेंशन है, तो देखिए जो GIF है उसे हम इमेज एक्सटेंशन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आपके पास WhatsApp पे कुछ एनिमेशन टाइप फोटोज आती हैं, ठीक है ना, उसे
तो उनका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, वो GIF होता है। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबिज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड चार्ल्स बेबिज, जिनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, उनके द्वारा बनाए गए पहले कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव डॉट एमपीजी एक्सटेंशन। देखिए, जो डॉट एमपीजी एक्सटेंशन है, डॉट MP4 है, तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है, ये है वीडियो फाइल एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वीडियो। नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर मस्ट हैव, ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एंटीवायरस। तो एक कंप्यूटर के पास जो होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जब आपकी विंडो क्रैश हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर कभी ऑन होता है? ऑन होगा पर चलेगा नहीं वो। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मदरबोर्ड। आप अपने CPU को खोलेगा, ठीक है, उसके अंदर देखेगा तो एक बड़ी सारी प्लेट होगी लगी हुई, जिसके ऊपर तारे लगी होंगी, रैम लगी होगी, और पता नहीं क्या क्या ठोकर रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स। कंप्यूटर के भिन्न भिन्न अंग इसी के द्वारा जोड़े जाते हैं और तभी वो काम करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। इनमें से सबसे छोटा कौन है? देखिए, पहले आता है बिट, फिर आता है बाइट्स, फिर आता है किलोबाइट्स, फिर आता है मेगाबाइट्स, फिर आता है गीगाबाइट्स, एंड देन आता है टेराबाइट्स। तो इन सब में से सबसे छोटा है किलोबाइट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग अलाउस टू और मोर यूजर्स टू वर्क ऑन सेम टाइम। देखिए, जब एक ही समय पर दो से या दो से ज़्यादा यूजर काम कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नाम देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, मॉडेम इज यूज्ड मोस्टली फॉर। देखिए, मॉडेम को हम यूज़ किस लिए करते हैं? ताजो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चले, और तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मॉडेम इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द इंटरनेट। कनेक्टिंग टू इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। लीस्ट बट नॉट लास्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IP? तो IP की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ऐसी और ज्ञान भरपूर वीडियोस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आप अपने चैनल गेन ज्ञान को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं हरसिमरन साइनिंग ऑफ।